नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चचाई जलप्रपात जो कि रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इस समय हम चचाई जलप्रपात की हजारों फीट गहरी घाटी में हैं और हमें यहाँ पे कुछ मवेशी लगभग दर्जन भर मिले हुए हैं और आज इनको रेस्क्यू किए जाने का प्रावधान है। सबसे पहले हम अपने साथ बोरियों में भूसा लेकर के आए थे, दवाइयाँ भी लेकर के आए। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे साथ दवाई भी है, यहाँ पर पट्टी वट्टी और इंजेक्शन बॉटल वगैरह इसमें आप देख सकते हैं, और रस्सियाँ हैं हमारे साथ, कुछ कार्यकर्ता हैं, मानसेवी कर्मचारी हैं। और हमने इनको भूसा वगैरह दिया हुआ है, पहले तो बांधा है रस्सियों से, इनको भूसा डाला हुआ है, साथ में जो हरी पत्तियाँ बांस की देख रहे हैं ऊपर, इनको तोड़ तोड़ करके इनको खिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इनके शरीर में कुछ ताकत आए। और आज दिनांक 8 जनवरी 2018 को इस जलप्रपात जो कि हजारों फीट गहरा ये जलप्रपात है, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी इसका, ये यहाँ पे ये काफ़ी गहरा है, इस कैमरे से शायद इसकी गहराई उतनी ना समझ में आ रही हो, लेकिन काफ़ी गहरा जलप्रपात, हजार तो आस मतलब लगभग कम से कम आप मान लें, और इससे भी ज़्यादा गहरा हो सकता है, हमने इसको इधर नापा नहीं। और ये इसका चारों तरफ का वातावरण, इनको आज हर हाल में यहाँ से निकालने का प्रावधान है, भी देखते हैं कितना कुछ इस कार्य में आज सक्सेस हो पाते हैं। देख सकते हैं इनको भूसा डाला गया है जो ये थोड़ा थोड़ा करके अपना खा रहे हैं, जो जैसे भूखे हुए हैं और जो कुछ खा भी चुके हैं, खड़े हैं, कुछ हरी पत्तियाँ खा रहे हैं। पशु क्रूरता की वारदातें रीवा में निरंतर बढ़ रही हैं और विशेष तौर पर जो वन परिक्षेत्र हैं आसपास के, उनकी घाटियों में इस तरह की वारदातें काफ़ी हद तक देखी गई हैं पिछले कुछ वर्षों में। हम आपको बता दें कि सिरमौर वन परिक्षेत्र अंतर्गत लालगांव उप वन परिक्षेत्र के भलघटी पनगड़ी से वारदातें चालू हुई थी, जो जानकारी मिली थी। फिर लौंगा घाट में जाया गया, नाथ घाट में सोहागी, रहवा घाटी जो सरई पनगड़ी बीट के बीच में आती है, फिर केवटी की जो मचवा घाटी है और केवटी का जो दुल्हरा घाट है वहाँ भी चचाई जलप्रपात में निरंतर चल ही रहा है। अभी हाल ही में बहुत ही और साथ में अष्टभुजी जलप्रपात में भी इस तरह से वारदातें देखने को मिली हुई हैं, लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था, जाकर के वहाँ पे देखा गया तो वह सही पाया गया है। तो जीवित इनको हजारों फीट गहरी घाटी में इस तरह से धकेल दिया जाता है, उतार दिया जाता है, बाद में इनमें से काफ़ी मर जाते हैं, सैकड़ों के यहाँ पर मृतक हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हड्डियाँ तो कोई गिनती नहीं है कि कितनी यहाँ पर हैं इनकी, लेकिन अभी हम सिर्फ जीवित पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इनको किस तरह से यहाँ से सुरक्षित निकाल करके किसी ठीक ठाक की गौशाला में पहुंचाया जाए। अभी हाल ही में हमारे एक ब्रह्मचारी जी जैन समाज के आए थे, सुजीत भैया, तो ब्रह्मचारी सुजीत जी ने बताया कि उनकी गौशालाओं में लगभग 1200 मवेशियों को रखने का प्रावधान है, जगह है आसपास यहाँ पे, कटनी, पन्ना, सतना, जबलपुर की गौशालाएँ जो दयोदय महासंघ की भी हैं, इस तरह से संचालित की जा रही हैं, वहाँ पर प्रावधान है, और किसी न किसी तरह से इन गोवंशों को वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ से सुरक्षित निकालने के बाद। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनिमल राइट एक्टिविस्ट, आपको चचाई जलप्रपात की इन गहरी घाटियों के बीच से, हजारों फीट गहरी घाटियों के बीच से वापस ले चलता हूँ। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश का वाक्य है, पशु क्रूरता की वारदातें हुई हैं। धन्यवाद।